नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। सुशील मोदी का बड़ा बयान, कहा लालू यादव की खत्म हो गई है राजनीतिक ब्रांड वैल्यू, बयान पर गरमाई सियासत। सुशील मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस नेता आनंद माधव का बयान, कहा लालू प्रसाद के बाहर आने की खबर से सुशील मोदी भयभीत है, बीजेपी नहीं चाहती लालू जेल से बाहर आए। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जिस दिन लालू प्रसाद बाहर आएंगे डबल इंजन की सरकार हिलने लगेगी। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का बयान, लालू जेल में रहें या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, लालू की ब्रांड वैल्यू का आलम यह है कि 2005 से 2010 के चुनाव में खुद हार गए। सीएम नीतीश के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सियासी घमासान, क्रेडिट लेने में जुटे सहयोगी दल तो विपक्ष बता रहा है सियासी स्टंट। कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार विशेष राज्य दर्जे की मांग सिर्फ जनता को ठगने के लिए उठाते हैं। विशेष दर्जा पर आरजेडी नेता अब नीतीश कुमार पर साधा निशाना, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ समझौता विशेष राज्य के दर्जे के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए किया था। आरजेडी नेता विजय प्रकाश का बयान, नीतीश कुमार विशेष दर्जे के नाम पर भीख मांगकर बिहार की बेइज्जती कर रहे, नीतीश कुमार आज डबल इंजन की सरकार में है, उन्हें पीएम के साथ बैठकर बिहार का हक लेना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने विशेष राज्य की मांग पर कहा कि बिहार ने केंद्र से झोला भर मांगा है और केंद्र ने बिहार को पूरा भर कर दिया, बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। जेडीयू प्रवक्ता सुनील मेहता का बयान, नीतीश कुमार का प्रयास सराहनीय है, केंद्र सरकार अगर हमारी मांग मान लेती है तो बिहार में उद्योग भी लगेंगे और बेरोजगारी भी दूर होगी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा हिंसा का सहारा लेकर सत्ता पर काबिज है ममता बनर्जी, बंगाल की जनता इस बार चुनाव में देगी जवाब। आदिवासियों के धर्म को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, कहा आदिवासी ना हिंदू थे ना है आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं और उनका अलग रीति रिवाज रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आदिवासी समाज को दबाया जाता रहा। आदिवासियों के धर्म को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान से झारखंड में सियासी भूचाल, कांग्रेस ने किया बयान का समर्थन तो बीजेपी बोली सत्ता में आने के बाद ही आती है आदिवासियों की याद। झारखंड विधानसभा का 26 फरवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र, सत्ता पक्ष ने की पूरी तैयारी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा विपक्ष के हर सवाल का दिया जाएगा जवाब। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा हर मोर्चे पर विफल है सरकार, युवाओं को छलने का किया जा रहा है काम, भ्रष्टाचार का हर तरफ बोलबाला। कोल स्मगलिंग केस ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सीबीआई का समन, 24 घंटे के अंदर हाजिर होने का फरमान। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक की पत्नी रजीरा नरूला को भी समन, सीबीआई ने पूछताछ के लिए जारी किया समन। सीबीआई पहले से ही अभिषेक बनर्जी के करीबियों के खिलाफ कर रही है छापेमारी, पिछले साल 31 दिसंबर को टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी विनय मिश्रा के ठिकानों पर भी की थी छापेमारी। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, फिरजाबाद की रैली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। फिरजाबाद सिद्दीकी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा मुस्लिम वोटर ममता से दूर जा रहे, बीते 10 साल में ममता ने कोई काम नहीं किया। फिरजादाबाद सिद्दीकी ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल, कहा टीएमसी के गुंजे हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले कर रहे हैं। बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, कल बसरीहाट में परिवर्तन यात्रा के दौरान हुआ था हमला। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में टीएमसी वर्कर्स ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की मारपीट, घटनास्थल पर मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही। कटिहार में विधवा महिला से रेप की कोशिश, घटना को लेकर भड़के दो गुटों के हिंसक झड़प, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी को किया गिरफ्तार। छपरा में सरस्वती पूजा के दौरान अश्लीलता की हद पार, बारबालाओं के साथ मुखिया जी ने लगाए झुमके, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बेतिया में आग से 3 दुकानें जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं।
वैशाली जिले के सहदेई थाना क्षेत्र के रामपुर कुमला कूल में खाना बनाने के दौरान चिंगारी से लगी आग, हादसे में कई घर जलकर हुए खाक, लाखों का हुआ नुकसान। पूर्णिया में रूपवाली विधायक बीमा भारती की स्कॉर्पियो में अचानक लगी आग, विधायक की गाड़ी जलकर हुई खाक, घटना जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट के पास की। मुजफ्फरपुर में लूटपाट के दौरान राहगीर को लगी गोली, लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारी, गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। विक्रम में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार शख्स की मौत हो गई, वहीं एक अन्य शख्स घायल हो गया, घटना पालीगंज थाना क्षेत्र के धरहरा मोड़ के पास की है। मोतिहारी में गैंगरेप के बाद हत्या का मामला, 9 आरोपियों ने किया सरेंडर, 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 फरार। उधर थानाध्यक्ष और आरोपियों के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आया, एसीपी ने थानाध्यक्ष संजीव रंजन को सस्पेंड कर दिया और उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए। सिवान में विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जिला अभियंता धनंजय मणि तिवारी के घर पर छापेमारी की, कार्रवाई से पहले पुलिस ने पूरे घर को घेरा। सासाराम में 9वीं के छात्र की स्थिति संदिग्ध, परिजनों ने सहपाठियों पर लगाया आरोप, मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह पथ पर तेज रफ्तार बुलेट और ऑटो के सामने टक्कर, हादसे में बुलेट सवार युवक गंभीर रूप से घायल। मधेपुरा में पुलिस की गिरफ्त में 5 लुटेरे, बैंक लूटने की योजना बना रहे थे लुटेरे, अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्तौल, 35 जिंदा कारतूस बरामद। पटना सिटी में सड़क हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, घायल युवक के पास से लोडेड पिस्टल बरामद, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। औरंगाबाद के रफीगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, अपराधियों के पास से 2 हथियार और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद। अरवल के कलेर प्रखंड में बंद घर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम, घर में रखे जेवर बर्तन समेत कई नकदी सामान पर हाथ साफ किया। पूर्णिया के बाईसी अनुमंडल पदाधिकारी पर एक शिक्षक और उसकी पत्नी ने जमीन विवाद को लेकर मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। सिवान में महाराजगंज इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, देसी शराब बनाने की भट्टी नष्ट की गई, शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया। कटिहार में कोसी नदी के किनारे से 1000 लीटर देसी शराब बरामद, कई गैस सिलेंडर और शराब निर्माण का सामान बरामद, उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। विक्रम थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की, दिल्ली से पूर्णिया जा रही ट्रक से शराब के कार्टन जब्त किए गए। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर हेमंत सरकार सतर्क, रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में BSL-3 लैब का किया जा रहा है तैयार, जीनोम सिक्वेंसिंग होने से वायरस के पहचान में मिलेगी मदद। रांची नगर निगम में अब दीवारों पर विज्ञापन लगाने वालों की खैर नहीं, नगर निगम भेजेगा नोटिस। आरा के रेलवे स्टेशन से युवा आरजेडी के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला, कहा महंगाई में बढ़ोतरी कम नहीं हुई तो यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगी। अरवल में युवा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर मार्च निकाला, सर पर गैस सिलेंडर और लकड़ी लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बेतिया के मंझोलिया प्रखंड के रुलही पंचायत के वार्ड नंबर 6 में लोगों को अब तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिला। बघा में अनुरक्षकों की बहाली में अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन, बिमल बाबू मैदान में वार्ड सचिव का सांकेतिक धरना। रक्सौल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बांधकरण ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं के साथ लापरवाही, अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी, स्ट्रेचर की बजाय गोद में उठाकर ले जाए गए मरीज। किशनगंज के अनुमंडल पदाधिकारी ने नगर परिषद क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए दी चेतावनी, कहा जल्द ही शहर के मुख्य मार्गो से अवैध कब्जा हटाए। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में पप्पू यादव पहुंचे मुजफ्फरपुर, परिवार को आर्थिक मदद का दिया और भरोसा। बिहार में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का शुभारंभ, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री भी थे मौजूद। जम्मू में पुलिस ने एक आतंकियों को किया गिरफ्तार, आईजी रिकवरी मामले में हुसैन भट्ट की हुई गिरफ्तारी, पाकिस्तान से सीधे संपर्क में था हुसैन भट्ट। अनंतनाग के जंगल में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, 3 AK-56 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। फ्रांस तोड़े गया पाकिस्तान का FTF के ग्रे लिस्ट से निकलने का खौफ, बैगम्बर कार्टून विवाद पर लिया था पंगा।
जिले के शाहीनबाग में यूपी एसटीएफ की छापेमारी, रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद पीएफआई के दिल्ली दफ्तर पर रेड। पांच राज्यों के चुनावी प्लान पर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय पदाधिकारियों को जीत का मंत्र। गुजरात निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और राजकोट नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग। भारी सुरक्षा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया मतदान, अहमदाबाद के नारनापुरा में डाला वोट। दिल्ली में 26वें हुनर हाट का उद्घाटन, देश के दस्तकार, शिल्पकार और कारीगरों की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। प्रयागराज में निषाद समुदाय के लोगों से बोली प्रियंका गांधी, कहा हम आपकी आवाज सरकार के सामने उठाएंगे। आंदोलन के बीच किसान नेताओं से मिले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कृषि कानूनों पर हुई चर्चा। जी मीडिया से बोले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, ये किसानों का आंदोलन है, खाप का आंदोलन नहीं, हम चाहते हैं कि किसानों से बातचीत हो। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया, कहा देश का किसान कभी देश की बदनामी नहीं चाहेगा। संजीव बालियान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग किसानों पर राजनीति कर रहे हैं। किसानों की भीड़ जुटाने के लिए राकेश टिकैत का नया पैतरा, गाजीपुर बजट पर अब टेंटू में लगेंगे एसी, कहा आंदोलन अभी लंबा चलेगा। मेट्रो मैन ई श्रीधरन आज बीजेपी में होंगे औपचारिक तौर पर शामिल, श्रीधरन ने कहा यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो वो केरल के मुख्यमंत्री बनने को तैयार। केरल के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ केरल के कासगोड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। हरियाणा के रोहतक में महिला वेट लिफ्टर की गला रेत कर हत्या, 2 साल पहले रोहतक के कोच पर लगाया था रेप का आरोप। जिसमें बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 90 लोगों की मौत। देश के 5 राज्यों में अचानक बढ़े कोरोना संक्रमण के नए मामले, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की चेतावनी। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बढ़ा कोरोना संक्रमण, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में तेजी। मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीएमसी ने सील की 1300 इमारतें, इन इमारतों में रहते हैं 71,838 परिवार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 6,281 नए मरीज आए सामने, जबकि 40 लोगों की हुई मौत। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी को 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड, पामेला गोस्वामी का आरोप साजिश के तहत फंसाया। दिल्ली के रिंकू हत्या मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी, अब तक 9 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच राहत की खबर, चेन्नई मेट्रो ने मैक्सिमम किराया 70 रुपए से घटाकर 50 किया। लॉकर मामले में कोर्ट का निर्देश, ग्राहक को बताएं बिना बैंक लॉकर नहीं तोड़ सकते, 6 महीने में लॉकर से जुड़े जरूरी रेगुलेशन बनाए। एसबीआई पेमेंट्स जल्द लाएगी योनो मर्चेंट ऐप, टीयर 3 और टीयर 4 शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करना होगा आसान, 100 ई व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन जन जागरूकता अभियान के तहत फैसला। ईपीएफओ ने जारी की नई गाइडलाइंस, ऑनलाइन पोर्टल पर खाताधारक अब अपनी प्रोफाइल में कर सकते हैं सिर्फ चुनिंदा बदलाव। नए इन्वेस्टर को खूब लुभा रहे यूट्यूब स्टार और ब्रेकिंग ऐप, 1 करोड़ से ज्यादा नए निवेशक जुड़े। 40 लाख रुपए के पार पहुंची बिटकॉइन, टेस्ला के निवेश के बाद लगातार बढ़ रही है कीमत, फरवरी में अब तक 70% का उछाल। नेशनल पेंशन सिस्टम में 1 साल से जुड़े 70 लाख से ज्यादा लोग, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़कर 4 करोड़ हुई। कंपनियों की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दिसंबर क्वार्टर में बढ़े, सस्ते कच्चे माल और खर्च घटाने से मिला फायदा। फरवरी के 20 दिनों में ही सोने की कीमत में 3,292 रुपए की गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, मार्च में सोने चांदी के दाम बढ़ने का अनुमान। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 2020 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, राज्य के ईशान को मिली जगह।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल क्लार्क का बड़ा बयान, बोले चूट के बहाना बनाकर स्टीव स्मिथ नहीं खेलेंगे आईपीएल। केरल और उड़ीसा के बीच खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी में रॉबिन उथप्पा ने जड़ा शतक, केरल ने उड़ीसा को 34 रन से दी शिकस्त। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टी20 सीरीज में ईशान किशन और सूर्य कुमार को मिला मौका, फैंस ट्विटर पर दे रहे हैं बधाई। भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव का कल हो सकता है फिटनेस टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में हुए थे चोटिल। भारतीय कप्तान विराट कोहली का बड़ा खुलासा, बोले सचिन तेंदुलकर की सलाह से भी मिली थी डिप्रेशन से मुक्ति। कन्या कपूर सैफ के घर आया नया मेहमान, बेबू ने दिया बेटे को जन्म। इस साल देसी विदेशी फिल्मों से गुलजार होंगे थिएटर, सबसे ज्यादा रह सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सोनू सूद ने चमोली त्रासदी में मारे गए एक व्यक्ति की चार बेटियों को गोद लिया, पढ़ाई से लेकर शादी तक हर खर्च उठाएंगे। ग्राउंड पर खेलते वक्त बहुत बड़ा सपोर्ट होती है अनुष्का, विराट कोहली ने खोला दिल का राज। संजय लीला भंसाली जैसे फिल्मकार के साथ काम करके काफी उत्साहित है, जटलेका मल्होत्रा ट्यूजडे एंड फ्राइडे फिल्म से कर चुकी है डेब्यू। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने शेयर किया मंगलसूत्र के साथ खूबसूरत सेल्फी। पीके के सुकल में नजर आएंगे रणबीर कपूर, विधुनो चोपड़ा ने कहा रणबीर कपूर फिल्म की कहानी को आगे ले जाएंगे। इसके साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।